हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ टीसीएस निंजा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे टीसीएस निंजा के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, ये जो इंटरव्यू हुआ था, पहले ही आपको क्लियर करना चाहता हूँ, दिस वॉज अ 2023 इंटरव्यू ऑन कैंपस। एंड इसके मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ऑन कैंपस का इंटरव्यू है 2023 का। कोशिश करूंगा कि 2024 का भी अगर किसी का इंटरव्यू हुआ हो तो मैं यहाँ पर आपको लेकर आऊँ। इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी यहाँ पर 35 मिनट्स। इंटरव्यू पैनल में टेक्निकल मैनेजर और एचआर तीनों लोग यहाँ पर अवेलेबल थे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको वन बाय वन करके गो थ्रू कराता हूँ सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। अब ये तो जनरली पहला क्वेश्चन होता ही है, अगर आप भी इंटरव्यू में जाओगे तो पहले तो इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है। सो द बेस्ट वॉट यू कैन प्रिपेयर, प्रिपेयर बेस्ट फॉर इट। ठीक है, मतलब इसमें आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना अपने डिटेल्स के बारे में, आप कहाँ से पढ़े हो और आपके कितने CGPA वगैरह हैं, वो सब बता देना। और अगर आपने कोई भी अकेडमी में पिछला कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह किया है, इंटर्नशिप किया है, वो सब इसमें थोड़ा थोड़ा सा बता देना एक एक लाइन में। अगर आपके प्रोफाइल में कोई ऐसी चीज है जो कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकती है, जैसे कि सपोज आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, सो यू कैन से इन योर इंट्रोडक्शन दैट आई हैव पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर ऑन दिस टॉपिक, है ना। तो इंट्रोडक्शन में वो चीज बोलना जिससे इंटरव्यूअर मतलब थोड़ा इंप्रेस हो जाए उस चीज से, बिकॉज ये क्वेश्चन तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर, वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये 2023 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जैसा मैंने बताया आपको, और आपको बाकी की भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर चेक कर लेना। उस सारी की सारी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क वॉज टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क वॉज वॉट वॉज योर रोल इन प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रोजेक्ट में तुम्हारा रोल क्या था, एज अ टीम तुमने काम किया था कि नहीं किया था, ये प्रोजेक्ट तुमने क्यों बनाया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है इंटरव्यूअर। तो आप अपने रोल के बारे में, टीम के बारे में, प्रोजेक्ट क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या प्रोजेक्ट में था, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जो भी आपने प्रोजेक्ट में यूज किया हो वो सब आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज टेबल इन डेटाबेसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेबल सबको ही पता है, जहां पर हम टेबल में रोज और कॉलम के बेसिस पर डेटा को स्टोर करते हैं, वो होती है डेटाबेस की टेबल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज स्कीमा। सो ये भी डेटाबेसेस से ही क्वेश्चन है, स्कीमा के बारे में बता दो। जब हम स्कीमास क्रिएट करते हैं डेटाबेसेस में तो बेसिकली स्कीमा होता क्या है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज टाइप ऑफ कीज। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटाबेसेस ही चल रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ कीज में देखो बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे कि अपन की, सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, फॉरेन की होती है ना, प्राइमरी की होती है। सो काफी सारी कीज होती हैं। सो उसने यही पूछा कि टाइप ऑफ कीज क्या होती है, एक बार बता दो। फिर उसने पूछा, अच्छा ऐसा है तो व्हाट इज सुपर की। तो ये भी DBMS से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज टाइप ऑफ जॉइंस इन DBMS, एक्सप्लेन ऑल विथ एग्जाम्पल। सो अभी तक ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं DBMS पे ही चल रहे हैं। और जैसा कि अगर आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि DBMS के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूअर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो एक एक्सपीरियंस है अभी तक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है और DBMS के बारे में पूछा गया है मेजरली, और यहाँ पर शुरू का 10 मिनट का इंटरव्यू खत्म हो गया था। तो जो DBMS में जॉइंस वगैरह होते हैं उसके बारे में पूछा। एंड यहाँ पर जब कैंडिडेट ने एक्सप्लेन किया तो उसके बाद ये भी पूछा कि सभी जॉइंस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। जैसे कि दो टेबल्स हैं, अब उन दो टेबल्स में अगर इनर ज्वाइन हुआ सो आउटपुट में क्या निकलता है, अगर आउटर ज्वाइन हुआ तो क्या निकलता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हुआ, राइट आउटर ज्वाइन हुआ, तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंस हैं अगर ये होते हैं सो लास्ट में जो आउटपुट क्या निकलता है, वो चीज इंटरव्यूअर ने यहाँ पर पूछी विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी का कोड पूछा, पेन और पेपर पे करना था इस कोड को। तो डेसिमल टू बाइनरी एक सिंपल ही कोड है, बिल्कुल डिफिकल्ट कोड नहीं है। सो इस क्वेश्चन के बारे में पूछा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि देखो आपसे कोडिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल होगा वो ईजी ही होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपसे पूछा जाता है तो ईजी लेवल का ही होगा। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, ये क्वेश्चन पूछा था। वॉट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वॉट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन,
ये चीज पूछी थी। अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन सी सी प्लस प्लस एक्सेप्शनल हैंडलिंग और प्योर वर्चुअल फंक्शन आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ऊप्स का पार्ट है। देखो अगर मोटी मोटी अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यू की समरी दूं, तो यहां पर आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे इस वाले इंटरव्यू में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछे, एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा, डीबीएमएस के ऊपर क्वेश्चन पूछे। ओवरऑल जो इंटरव्यू की समरी थी वो ये थी। अब अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है, मेजरली जो टॉपिक रहते हैं वो यही रहते हैं। आपका भी जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर कोशिश करेगा कि आपसे प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कोडिंग क्वेश्चन और डीबीएमएस के ऊपर ही प्रश्न किए जाएं। देन मैनेजर ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे। पहला क्वेश्चन था हाउ यू यूटिलाइज योर लॉकडाउन। इस टाइप के क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, बट द बेटर वे टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, सबसे पहले अगर ऐसा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सबसे पहले आप ये बताओ कि उस सिचुएशन में आप कर क्या रहे थे। देन ये बताना चाहिए कि उस सिचुएशन में आपने क्या ऐसा यूज किया उस टाइम को जिससे आपकी लाइफ में कुछ गुड इम्पैक्ट पड़ा। एंड काफी लोग अच्छी अच्छी बातें करने के लिए काफी ये बोलते हैं, नहीं मैंने तो ये पढ़ा था, वेब डेवलपमेंट सीख लिया ये, बट अगर आप इसमें एक बैलेंस्ड आंसर दोगे कि मैंने उस टाइम पे ये चीजें लर्न करी वो सब तो ठीक है, बट आई फोकस्ड ऑन माई हेल्थ, भले ही आपने नहीं किया हो, आई ट्राइड टू गेट मेंटल पीस इन द पेनफुल एनवायरमेंट, है ना। इस टाइप की चीजें आपको यूज करनी होती हैं। अगर कोई भी सिचुएशनल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप चीजों को बैलेंस करें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज, हैव यू लीड एनी थिंग, अभी तक आपने कुछ भी किसी सोसाइटी में या कहीं भी कुछ अगर आपने लीड वगैरह किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज, वॉट यू वॉन्ट टू चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी इज अवर जनरल सोसाइटी, मतलब ह्यूमैनिटी में कुछ आप चेंज करना चाहते हो। हु इज सीईओ ऑफ टीसीएस, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दो तीन बार अभी मुझे मिल चुका है, काफी बच्चों से पूछा गया है कि सीईओ कौन है टीसीएस का, तो आप जरूर पढ़ के चले जाना, बहुत सारे बच्चों से ये वाला क्वेश्चन किया जा रहा है। वॉट डू यू नो अबाउट टीसीएस, तो ये क्वेश्चन भी पूछा कि आप टीसीएस के बारे में क्या जानते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज, इफ अनदर कंपनी इज ऑफरिंग यू हायर सीटीटी, देन देन विल यू चूज टीसीएस। देन एक ही चीज बोलूंगा, अगर ये बात केवल बोलने की होती है तो आप बोल देना कि हाँ मैं टीसीएस ज्वाइन कर लूंगा, और ऐसा इसलिए बोलना, आप कहना कि इट्स नॉट अबाउट के पैकेज, आप ये बोलना कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ टी सी एस बिकॉज ऑफ, उनके कुछ दो तीन ऐसी चीजें बोलना जिस सेक्टर में टी सी एस काम कर रही है इसके बारे में पढ़ के जाना, और बोलना आई वॉन्ट टू वर्क इन दैट, एंड ऑल्सो टी सी एस इज अ लार्ज कंपनी एंड प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी, ये वर्ड यूज करना, ग्रेटर सिक्योरिटी इन कैरियर, सो देन आई वॉन्ट टू ज्वाइन टी सी एस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलना कि हाँ मैं टी सी एस ही ज्वाइन करूंगा। देन एच आर इंटरव्यू की बात करते हैं। एच आर ने पूछा आर यू एवेलेबल टू वर्क एट एनी लोकेशन अक्रॉस इंडिया, क्या आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। एच आर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू ओपन फॉर एनी जॉब शिफ्ट, इफ समवन इज इल एट योर होम एंड यू आर एट चेन्नई, यू हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन टू एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट टू द सेम डे, वॉट यू विल डू इन सच सिचुएशन। बिहेवियर क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको चीजों को बैलेंस करना है ना। आपको ये बोलना है कि नहीं नहीं मैं तो प्रेजेंटेशन ही दूंगा पूरी, ना आपको ये बोलना है मैं एकदम घर चला जाऊंगा। कैसे चीज को बैलेंस करोगे, इफ दिस इज द सिचुएशन आई विल चूज माय कलीग, आई विल एक्सप्लेन द होल प्रेजेंटेशन इन समरी, आई विल गिव हिम ऑल द डिटेल्स, ऑल्सो आई विल से हिम इफ ही हैव एनी कंफ्यूजन ही कैन कॉन्टेक्ट मी After delivering all my responsibilities, then only I will leave for my home. मतलब चीज को बैलेंस करना, ये नहीं बोलना कि मैं घर जाऊंगा ही नहीं, और ये भी नहीं बोलना कि नहीं नहीं मैं घर ही घर जाऊंगा, काम को मैं एकदम से छोड़ दूंगा। बैलेंस कर देना थोड़ा सा, है ना। यही चीज वो देखते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं। विल यू डू एनी हायर स्टडीज आफ्टर बीटेक, ये पूछा। देन डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, दिस वॉज द होल इंटरव्यू। अब एक और वीडियो आएगी टीसीएस निंजा के इंटरव्यू के ऊपर, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। उस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।